हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये क्लास नाइन्थ की साइंस से रिलेटेड रहेगी। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स है ना चैप्टर्स में, वो डिस्कस करूँगा और होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये दो दिन जो भी थोड़ा सा हर चैप्टर में सर मेन में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लो है ना जो केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो दो है, ठीक है। पहला है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अगर ये लो कंजर्वेशन ऑफ मास आता है तो आप ये बताएंगे कि लो कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो लो कंजर्वेशन मास कहता है कि ना तो मास को पैदा किया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। अब देखो, ऐसे ही लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ सकता है। जैसे लो ऑफ कंजर्वेशन मास ना एग्जाम में आ जाएगा कि लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताइए, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताइए, ठीक है। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब मास का आएगा तो आप ये पूरा लिखेंगे लो कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्टोर्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। और 11 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में एक क्वेश्चन दे रखा है लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप इसमें लिखेंगे ऐसे ही लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, आगे लिखोगे बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को ना हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं, ना पैदा कर सकते ना खत्म कर सकते हैं। बस आपको ये लाइन एड कर देनी है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा, मेरी बात सुन लो, तो पूछेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताइए, तो दो लॉ है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास है और दूसरा ये वाला है लो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खाली एग्जाम में ये पूछ ले लो कंजर्वेशन मास को डिफाइन कीजिए तो आपको ये बताना हो, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि लो कंजर्वेशन मास की जगह एग्जाम में लो कंजर्वेशन एनर्जी आ जाए तो एनर्जी वाला जो चैप्टर ना आपका 11 है, ठीक है, तो उस 11 चैप्टर में एनर्जी वाला मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए, ये 11 चैप्टर है, ठीक है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप ये बताएंगे, यहां पर कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पूछेगा तो आप ये बता देना, ठीक है। तो सेम ही है, बस एक लाइन आपने देखा ऐड हो गई, ठीक है। और अगर आपसे क्या पूछता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछेगा तो आपको ये बता देना। समझ में आ गया, एक एक ऐसी बड़ी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। एक तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है, उसके बाद कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन है। तो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि देखो, ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज पेयर्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब किसी भी रिएक्शन में ना जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं एक निश्चित अनुभाग में, निश्चित भाग में होते हैं जो भी मास हमें दे रखा होगा, ठीक है। मतलब कहने का है, जैसे आप ये देखो, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब इसके बाद ये चीज बनकर जो तैयार होगी ना, तो ये हमेशा बराबर होंगे। देखो, यहाँ H2O2 है तो यहाँ 2H2O लग गया, इसका मतलब देखो दो दुनी यहाँ चार हो गया और यहाँ इसके आगे भी दो लग गया, तो यहाँ पे H2 है तो इसके आगे भी दो लगेगा, ये बैलेंस। अब मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, ये इसमें ये दे रखे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मोल कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा है पूरा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते, डिस्कस नहीं कर सकते अभी। यहाँ पर सिर्फ इतना सुन लो, अगर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का आएगा,
तो आप बता देना कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा पैरेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय मास, ठीक है। समझ में आ गया। अब और कौन सा क्वेश्चन है? और देखो बहुत मन लगा के पढ़ो, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आपकी जितनी अच्छे से तैयारी है ना तो वो अपनी रखना अच्छे से। और एक डाल्टन की एटमिक थ्योरी कभी कभी आ जाती है, ये जो डाल्टन है ना इनकी थ्योरी। तो देखो यहाँ पर 6 पॉइंट लिखे हैं। तो देखो पहला इन्होंने बताया कि जितने भी सारे के सारे मैटर होते हैं ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको एटम कहते हैं। अगर आपसे एटम की डिफाइन बोले तो आप बता देना, ठीक है। एटम जो होते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ये कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी पढ़ा था ना, तो ये वही बता रहे कि इन्होंने बोला कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, उसके और अंदर टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, और विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना क्रिएट किए जा सकते ना डिस्ट्रॉयड किए जा सकते केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। अब मैं इसके 2 पॉइंट ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसके 2 या 3 पॉइंट याद कर लेना, उसके बाद आगे सुनो। और देखो ये जो है ना हाइड्रोजन का एटम कितना छोटा है और एप्पल का यहाँ बड़ा हुआ, ठीक है, बड़ा है। तो ये साइज बता रहा, जितनी बड़ी पावर होगी ना माइनस की उतना वो छोटा होगा। और ये नैनोमीटर की वैल्यू देख लो, अगर नैनोमीटर पूछ लेगा ना तो ये नैनोमीटर होता है, 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये ना पूछ लेता कि सिलिकॉन का कलर कैसा था, ब्लू, ठीक है, आपके अगर एनसीईआरटी ने तो उसपे कुछ और कलर बना हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं ना, मैं वो आपसे थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ, ताकि आप रिविजन आपकी होती जाए। और एग्जाम में आया था कि भाई एलिमेंट का जो है ना नेम या सिंबल देने कैसे शुरू हुए, तो आप बता देना कि जो शुरुआत में इन द बिगिनिंग में क्या हुआ कि जिस जगह पर उसकी रिसर्च होती थी ना उस बेस पर एलिमेंट की नेम रखने लग गए, फिर बाद में उसके कलर के बेस पर, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो गोल्ड का कलर है येलो है ना, तो उसके बेस पर उसको एयू रखा गया, ठीक है, देख भी सकते हैं लिखा है कि इंग्लिश वर्ड से लिया गया है गोल्ड, जिसका मतलब येलो होता है, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पर जितने भी सारे के सारे जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना, जितने भी एलिमेंट्स के जो नेम है वो आईयूपीएसी देता है और इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो आप बता देना इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये वजन वाला इससे अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एटमिक मास है, किसका कितना कितना मास है, और ये किस बेस पर पता लगाया था, तो ये कार्बन को लिया था, ठीक है, कार्बन के बेस पर लिया था, उसके बेस पर ना ये सारे के सारे ये वजन इनके जो है एटमिक मास पता लगाए गए, ठीक है। अगर आपसे मॉलिक्यूल बोल देना, अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में याद हो तो ठीक है, सब सिंपल लिख देना, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है, आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। थोड़ा और अच्छा लिखना है तो ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड टूगेदर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, सुनते मेरी बात। सिंपल लैंग्वेज में देख लो कि दो या दो से अधिक अगर एटम होते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एटमोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है, क्या एटमोसिटी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जो नंबर ऑफ एटम है ना वो जितने मॉलिक्यूल में होते हैं उसे एटमोसिटी कहते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल में होते हैं उसे हम एटमोसिटी कहते हैं। जैसे अभी देखो ये O3 है तो इसमें कितने हैं, 3 है, तो ये ओजोन है, ओजोन ओजोन लेयर है ना, उसका फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है, तो इसमें 3 है, तो इसमें 3, तो ये क्या कराएंगे, एटमोसिटी कराएगी, इसी 3 है, ठीक है। ये देखो आर्गन अगर एग्जाम में पूछेगा ना मोनो एटमिक का एग्जाम्पल दो, मोनो मतलब जिसमें केवल एक एटम होता है, तो आर्गन और हीलियम बता देना। अगर बोले डाई एटम जिसमें दो एटम होते हैं तो ऑक्सीजन हीलियम और नाइट्रोजन बता देना, और क्लोरीन भी बता सकते हो। और अगर टैट्रा पूछ लेगा जिसमें चार होते हैं तो फॉस्फोरस, चार से ज्यादा तो सल्फर, ठीक है, ओके। और ये नॉलेज के लिए याद रख लो कि जो वाटर है ना वो किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनों और ऑक्सीजन से, ये कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आयन पे आ जाता है, ठीक है, आयन दो होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, तो नेगेटिव
नेगेटिव जो होता है उसको हम एनायन बोलते हैं, जो माइनस का होता है उसे एनायन बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव होता है ना उसको हम कटायन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बिल्ली या रख लो थियेटिक कैट, कैट जो है वो प्यारी प्यारी है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। और एक याद रख लो कटायन का पॉजिटिव, तो अपने तुम्हें एनायन का नेगेटिव याद रहेगा, ठीक है। एक याद रखो, दो याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन। देखो ये अगर आपको आयन की डेफिनेशन बोल दे तो बोलना कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल, ये जो यौगिक होते हैं ना मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, के जो बने होते हैं, और इसके अंदर एक चार स्पीशीज होती है, तो जो चार स्पीशीज होती है उसे हम आयन कहते हैं, ठीक है। अभी इतना अगर एग्जाम में भी आपको याद नहीं है तो इतना बोल देना कि जो चार स्पीशीज है ना जो उसे हम आयन कहते हैं, बाकी टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ से कर लेना, ठीक है। और ये आयन के दो टाइप होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये देखो आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो उसके बाद आप आ जाओ सीधा इस पर, ये पॉली एटॉमिक आयन किसे कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आ रहा था पॉली एटॉमिक आयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डिफाइन है ना पॉली एटॉमिक आयन की, वो यहां लिखी हुई है कि ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एटम का ग्रुप जो कैरी करता है चार्ज को, ठीक है, उसे पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। और ये पता है क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला, मतलब जब हम किसी को केमिकल फॉर्मूला, जब रासायनिक सूत्र लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तो उसके लिए क्या रूल है। अच्छा उससे पहले आपको पता होना चाहिए वैलेंसी किसे कहते हैं, बस इतना रख लो, कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी, पर किसी के जोड़ने की क्षमता ही वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। और आगे देखो, और अगर आपसे पूछ रहे ना केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, तो आप बोलना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्पोजिशन या ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। सिंपल याद रख लो, अगर केमिकल फॉर्मूला पूछेगा तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला, सिंपल सिंपल, ठीक है। फिर आ गया, और आगे सुनो, तो उसके बाद ये फॉर्मूला आपको आता बनाना, तो हाइड्रोजन है इसका एच होता है, क्लोराइड का सीएल होता है, फिर इनकी वैलेंसी पता करनी होगी, वैलेंसी के लिए आपको टेबल आनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब की वैलेंसी एक होती है, अब इन सब की दो होती है। अब देखो पेपर के टाइम में ये आप याद क्या कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो कि देखो इसमें ना एनसीईआरटी के आ जाते हैं, तो आप ये सारे एक बार इन सबके सिंबल याद कर लेना। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम का क्या होता है Na, ऑक्साइड का क्या होता है O। अब पता है क्या ऐसे बनता है, सोडियम की वैलेंसी एक होती है, ऑक्सीजन की दो होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2O, मैंने केवीएस के में समझा दिया था अच्छे से, ठीक है। तो अब जिसको नहीं आता तो इसके आंसर याद कर ले, ठीक है, ठीक है, ये आप देख लो आंसर, ठीक है। और जब ये लिखे आएंगे ना तो इनका नाम पता होना चाहिए, इसका नाम क्या एल्युमिनियम सल्फेट, इसका नाम क्या कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम क्या पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्या पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। और पता लगाने का तरीका मैं एक मिनट आपका ले लेता हूँ। जैसे के है तो आप इसमें ढूंढो के का, ये पोटेशियम, ठीक है, और ये है एनओ थ्री, तो एनओ थ्री ढूंढो कहाँ है, ये एनओ थ्री, तो नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका नाम आ गया। तो इस तरीके से हमें करना पड़ता है, पर अब लास्ट टाइम में कहाँ से याद कर पाओगे, है ना, तो अभी कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे सुनो, अब ये आपसे पूछ रहे केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, तो आप बता देना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अगर आप पूरा लिखना चाहेंगे तो और अच्छी बात है, टाइम का मैं इसमें शॉर्ट में वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। और अब आगे सुनो, ये कह रहा है कि इसमें कितने एटम है, बता सकते हो इसमें कितने एटम है। देखो एटम पूछे एटम, तो ऐसे में कितने, दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए, बस आंसर लिख देना। पी में कितना, एक, और ओ में कितने, चार, तो कितना हो गया, पांच,
ठीक है, पांच आंसर आ गए, क्योंकि नीचे चार लिखा है ना, चार ये नहीं लिखेंगे, इस ऊपर वाले को नहीं गिनते, ठीक है, वो वैलेंसी है। ओके, चार और कितने तो पांच हो गए। एटम पूछे, क्वेश्चन याद रखो, बच्चे ना क्वेश्चन याद नहीं रखते, ठीक है। अब देखो, इसने बोला इसका मास निकालो, तो इसका मास कैसे निकालोगे, तो आपको ना ये टेबल याद होनी चाहिए, ये वाली टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अब देखो H2O है ना, H2O है, ठीक है, तो H का वजन होता है एक, ये दो यहाँ मल्टीप्लाई, जब एक नया एलिमेंट आएगा तो प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, और O में कितना, तो 16, ठीक है, तो 2 × 2 और 16 कितना हो गया, 18 होगा, समझ में आ गई। अभी अब देखो O का 16 कैसे आया, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो 16, इस तरीके 18 आ रहा है, ऐसे इसका निकाल लिया, ठीक है। देखो एक होता है फॉर्मूला यूनिट मास, तो जैसे हम ये मोलिकुलर मास निकालते हैं ना, है ना, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, ये नहीं, ये तो एटम है, एटम को गिन दिया, एक और चार के देखो पांच, ठीक है, ये कह रहा है जैसे मोलिकुलर मास कैसे निकालते थे, इसका वजन कितना था एक, तो एक मल्टीप्लाई ये दो यहाँ लिख दिया, आगे लिख दो पीछे लिख दो बात देखिए, तो 18 आया, ये मैंने करवाया था ना अभी आपको, ठीक है। अगर आप ये पूछे ना फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, तो ये जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है वैसे ये निकाला जाता है, ठीक है, तो ये बोलेंगे सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, जितना भी उनका मास है ना उन सबको सम कर दो, उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो अब जैसे ये इसे बोला कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, तो कैल्शियम को कितना होता है, इन्हें बोला फॉर्मूला यूनिट मास निकालो, बच्चे कहते हैं अरे क्या था फॉर्मूला यूनिट मास आ गया, या मॉलिक्यूलर मास बोला था, तो ये अलग है, नहीं, दोनों सेम तरीके से करना है। ये कैल्शियम में कितना होता है 40, और क्लोरीन में कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, ब्रैकेट में दिया होगा, और ये कितने नीचे दो लिखा, दो से मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई 111 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे इसने बोला है मोलिकुलर मास और यहाँ बोला फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है, तो बात एक ही है, एक ही तरीके से करना है, ठीक है, एक ही तरीके से करना है। जैसे यहाँ NH3 लिखा आ गया, तो N में कितने होते हैं, N में कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, 14 होते हैं, प्लस H में 1 × 3, तो 17 आ गए, ठीक है। अब ऐसे ये देखो यहाँ लिखा फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है, तो इसमें भी सेम ही करना है, जैसे Na2O दे रखा है, Na में कितने, देखो ब्रैकेट में लिख के दे दिया, वैल्यू लिख के दे दी, और क्या चाहिए, तो वैल्यू लिख के दी, तो पुट कर दो, Na में कितना 23, नीचे 2 दे रखा है मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 दे रखा है ना मल्टीप्लाई कर देंगे, O में कितना दे रखा है, O दे रखा है हमें 16, पोटेशियम 16, तो प्लस कर दो 62 आ गए, ठीक है, इस तरीके से करना। तो इसमें आप देखो ये जो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों का मास जो है वो सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल है, ठीक है, देखो बनने से पहले बनने का दोनों का जो मास है ना वो सेम रहेगा, तो आप ये कैसे निकालोगे, तो देखो जो है देखा ना ये और ये, इन दोनों को मिलाया तो उसके बाद ये और ये बना और ये बना, ठीक है, तो देखो इन दोनों को टोटल करो, ये देखो, और जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाद में जो बना इनका 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 टोटल करो, तो बराबर कितना है, तो दोनों बराबर आ रहे ना, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले मास ऑफ रिएक्टेंट फिर मास ऑफ प्रोडक्ट, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, केस स्टडी में आ जाता है, तो आप बता देना, ठीक है। देखो जैसे इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, इस वाले अगर हम बुक में देखते हैं तो एक क्वेश्चन पांचवा, चौथा, तीसरा, छठा, तुमको पता है, ठीक है, कई बच्चे हैं ना, तो पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, ठीक है, ये अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आए हुए, और ये आप बता सकते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ओके।
और उसके बाद नेक्स्ट इन्हें बोला केमिकल फॉर्मूला बताइए। अब इन सबके केमिकल फॉर्मूले कर लो, ठीक है। तो जैसे ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका होता है मैग्नीशियम MgCl2, और ये कैसे बना मैं एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जिनको अच्छे से लाना वो तो अब कर लेंगे, ये तो बाकी इसको कर ले याद, क्योंकि अगर आएगा तो बुक से देगा, ठीक है। NCERT पे ज्यादा फोकस किया करो। Mg मैग्नीशियम है ना, ये रहा, तो मैग्नीशियम का ये रहा है दो, है ना, तो मैग्नीशियम के नीचे दो लिख देंगे। मैग्नीशियम के नीचे दो लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, क्लोराइड। तो क्लोराइड यहाँ पर कहाँ है, अब देखेंगे जो क्लोराइड है वो ये रहा, तो इसके आगे एक लिखा हुआ है, तो इसके यहाँ क्लोराइड लिखे एक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो MgCl2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ऐसे ही इन सबके सिंबल में लिख देता हूँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऐसा करो ये बुक है हमारे पास, इस बुक में आप देख लो ये सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसने बोला कि अब इन एलिमेंट्स गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट, इसमें बताओ कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ कि कौन कौन से एलिमेंट है। क्यूक्लाइम, तो क्यूक्लाइम में एक कैल्शियम होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। ऐसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है। बेकिंग पाउडर में कौन होता है, ये हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फर एंड ऑक्सीजन होता है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसका मोलर मास निकालो, ये मैंने अभी आपको सिखाया था ना कैसे निकालना। देखिए ये लिखा C2H2, ठीक है। ये देखो तो सी में कितने थे, 12, एच में कितने होते, एक, तो 26 आ गए, ठीक है। समझ आ गई, तो 12 दून 24 और 2 1 26 आ गए। इस तरीके से आप ये सारा देख सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने ग्राम में लिखे, ग्राम नहीं यू है, ठीक। फिर उसके बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ, ठीक है, उसमें आपको रिवाइज करता हूँ, छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ, ठीक है। आप फटाफट रिवाइज करते रहो, मैं 2-3 कोशिश करूंगा, अगले जो बनाऊंगा उसमें 2 चैप्टर इकट्ठे दिखा दूँ छोटे से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।